Morning, children. Hope everything is well, and so do I. Bhavana teacher, EVS teacher is with you with the lesson number seven, and that is saying without speaking. Last session we saw a game dumb sharads and in that also we saw that people who cannot hear and speak can understand the lip movements.

चक्कू प्लेज द पियानो वेरी वेल नंदू जो चक्ू का बड़ा भाई है वो चक्ू के साथ खेलता है और चक्ू को पियानो बहुत ही अच्छी तरह से बजाना आता है शी लाइक्स टू फील द डीप रंबलिंग कोट्स बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग उसको जो पियानो में से सुर निकलते हैं रिदम निकलती है वो उसको बहुत पसंद आती है बट एज शी कैन नॉट स्पीक वो बोल नहीं सकती है तो वो कभी भी गाना गा नहीं सकेगी शी कैन नॉट हियर द टून शी लाइक्स टू लीप टू टम्बल टू रोल टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स वो सुन भी नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है मगर उसे ये सब एक्शन करना लीप करना टम्बल करना रोल करना ट्री के ऊपर मंकी की तरह क्लाइम करना ये सब उसे बहुत ही पसंद है नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो अवर मदर स्टिल हेल्प हर लिप रीड एट होम नाउ शी नाव शेजग्रोनक वो बड़ी हो गई है इसलिए वो अपने भाई नंदू के साथ स्कूल में जाने लगी है बिफोर गोइंग टू स्कूल स्कूल में जाने से पहले मम्मी ने उसको लिप रीडिंग के बारे में सिखाया है और अभी भी वो उसको लिप रीडिंग के बारे में सिखा रही हैं द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम जो स्कूल में चकू पढ़ने को जाती है वहाँ के टीचर और चिल्ड्रन हैं वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझते हैं जैसे कि सिस्टर है वॉटर है या थम क्योंकि वो बोल नहीं सकती है इसलिए वो सब ये जो उसको बोलना आता है वो एक्शन में सिखाती है और बताती भी है आई wore my sunglasses yesterday. The frames were very large. The lenses are very black. नंदू ने अगले दिन सनग्लास हम धूप में पहनने वाले चश्मे को सनग्लास बोलते हैं वो पहना था उसकी फ्रेम बहुत बड़ी थी और उसके जो कांच थे लेंस थे वो एकदम ही ब्लैक थे माई सिस्टर मेड मी टेक दम ऑफ वेन आई स्पोक वॉट डू माई ब्राउन आईज से टू हर ब्राउन आईज नंदू की सिस्टर चकू जो सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती है उसने अपने ब्रदर को कहा कि तुम ये ग्लास निकाल दो तो नंदू ने सोचा कि मेरी आईज से उसको कैसे पता चलता होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ चिल्ड्रन वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू जो लोग सुन नहीं सकते हैं बोल नहीं सकते हैं वो अपना अपनी अपनी जो कुछ बात करनी होती है वो लैंग्वेज साइन में एक्शन से बताते हैं और जो हम बोलते हैं वो हमारे लिप मूवमेंट या हमारे फेस के एक्सप्रेशन या आइस के आईज़ आइस को देख के उन्हें पता चलता है कि हम उनको क्या कहना चाहते हैं अवट आइस टेल अ लॉट स्मॉल चिल्ड्रन टेल लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक दे अंडरस्टैंड लॉट छोटे बच्चे जो अभी बोलना नहीं सीखे होते हैं वो अपने फेस या हैंड मूवमेंट से हमको समझाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए या उनको वो क्यों रो रहे हैं वो अपने एक्शन से हमें बताते हैं मगर जो डम और डेफ होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं वो समझते बहुत ही अच्छी तरह से हैं द फेस इज़ अ मिरर ऐसे कहा जाता है कि हमारे अंदर हमारे में जो इमोशन है या जो हमको बताना है वो हमारा फेस विदाउट स्पीकिंग बोले बिना हमारा फेस सब कुछ बता देता है रीड एंड ड्रॉ यू मस्ट बी वंडरिंग वॉट काइंड ऑफ फेसिस दिज आर दे हैव नो आईज एंड नो नोज नो माउथ हमारे बुक में ये फेसेस बताए गए हैं उसमें हमें ड्रॉ करना है द फर्स्ट वन इज You have to make this, but only after reading what is written alongside. हमको यहाँ पे ये पढ़ के ये फेस के एक्सप्रेशन हमको ड्रॉ करने हैं दिस इज आफ्ताब हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन ही इज़ सैड हाउ विल हिज फेस लुक ये लड़का आफ्ताब है उसका एक टॉय गिर के टूट गया है तो वो बहुत दुखी हो गया है तो अब आपको यहाँ पे उसका फेस पे आइज आई और आईज ड्रॉ करनी है कि वो सैड है क्योंकि क्यों सैड है क्योंकि उसका टॉय गिर गया है दिस इज जूली हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे शी इज वेरी एक्साइटेड हाउ विल हर फेस लुक ये गर्ल है जूली उसके यहाँ उसकी छोटी सिस्टर का कल ही बर्थ हुआ है तो वो बहुत खुश है एक्साइटेड है तो उसके फेस पे कैसे एक्सप्रेशन होंगे आइज कैसी होगी वो हमें ड्रॉ करना है दिस इज रुतवाज मदर टुडे वाइल रुतवा वाज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन इट फेल्ड फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोकन ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस ये रुतवा की मम्मी है रुतवा आज किचन में जब पिकल की अचार की बोतल निकाल रही थी तो उसके हाथ में से नीचे गिर गई अब ये हमें उसकी मम्मी के फेस पे उनके आइज़ में कौन से एक्सप्रेशन होंगे वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है ऑब्वियसली मम्मी अगर हम कुछ गिराते हैं तोड़ दे दे तो गुस्से हो जाती है ना तो वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है दिस इज़ रेहाना शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स वाई प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर हाउ विल रेहाना फेस लुक दिस गर्ल हर नेम इज रेहाना उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है वो जब खेल रही थी तो सडनली एक डॉग उसके सामने आ गया तो उसके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आया होगा फियर का डर का दैट यू हैव टू ड्रॉ हियर चिल्ड्रेन होप यू हैव अंडरस्टूड अप टिलयर पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड लिसन दे कैन शो देर देर अफेक्शन और देर वर्स बाय लैंग्वेज एक्शन बाय एक्शन लैंग्वेज और देर इज अ टिपिकल साइन लैंग्वेज और बाय द आईज जो लोग सुन नहीं सकते हैं बोल नहीं सकते हैं वो अपना अपने को उनको प्रेजेंट करना है उनको क्या कहना है वो बोलना है तो वो साइन लैंग्वेज से एक्शन से या उनकी आईज से हमको ये सब बता देते हैं होप अप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड नेक्स्ट सेशन वी विल मीट अगेन टिल देन बाय बाय सी यू